हेलो स्टूडेंट होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर फोर्टीन हेल्दी सराउंडिंग के ट्रू फॉल्स करेंगे एक तरीके से आपकी वर्कशीट है रिविजन के लिए जिसमें अभी मैंने आपको ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर दिए हैं सो इन्हें आपको लर्न करके अपनी नोटबुक में करना है बिना देखे सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स में आपको जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है उन्हें करेक्ट करके भी लिखना है फर्स्ट वन इज़ वी डू नॉट नीड अ क्लीन इन्वायरमेंट सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स तो इसका जो करेक्शन होगी सो करेक्शन में आप लोग लिखेंगे वी नीड अ क्लीन इन्वायरमेंट दैट कि हमें हम सबको एक क्लीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है नेक्स्ट वन इज़ स्मोक फ्रॉम फायरस एंड फैक्ट्रीज वन रीज़न फॉर एयर पॉल्यूशन दिस इज़ ट्रू कि स्मोक और फायर से जो और फैक्ट्रीज में से जो स्मोक निकलती है उससे एयर पॉल्यूशन होता है मेडिसिन स्प्रेड बाय फार्मर्स ऑन प्लांट डू नोट हार्म द इन्वायरमेंट दिस इज फॉल्स और इसकी करेक्शन क्या होगी मेडिसिन प्लाट हार्म द इन्वायरमेंट कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है वाटर को पॉल्यूट करती हैं रूट्स ऑफ ट्री स्टॉप द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे विद रेन दिस इज ट्रू कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अपने साथ होल्ड करके रखती हैं जिससे बारिश आने पर भी जो सॉइल होती है वो वेस्ट नहीं होती है सो दैट इज़ ट्रू आवर गवर्नमेंट शुड वर्क टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन सो दिस इज़ फॉल्स कि ओनली गवर्नमेंट ही नहीं वी शुड ऑल्सो वर्क टू कीप आवर एन्वायरमेंट क्लीन हम सबका हम सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना है सो so, ये ट्रू फॉल्स आपको लर्न करके इनकी फॉल्स स्टेटमेंट भी नोटबुक में करनी है और जैसे कि नेक्स्ट वर्कशीट में आपको है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल हैव डन इन द लास्ट हंड्रेड टू वन फिफ्टी ईयर्स दैट हैव हार्म द इन्वायरमेंट कि आज से सौ से डेढ़ सौ साल से कौन सी ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ रहा है सो आंसर इज़ ओवर द लास्ट हंड्रेड टू वन फिफ्टी ईयर्स सम थिंग दैट पीपल हैव यूज लाइक कॉयल पेट्रोल और डीजल एंड सम थिंग्स दैट वी हैव डन लाइक कटिंग डाउन ट्रीज है हार्म एंड पॉल्यूटेड दिन आवर एन्वायरमेंट सो इन सब चीज़ों को यूज़ करने से कोयल पेट्रोल डीजल और पेड़ काटने की वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूटेड होता जा रहा है और ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा रही हैं चीज़ें नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डज पॉल्यूशन मीन पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पॉल्यूशन मीन्स टू मेक द एयर वाटर एंड सॉयल डर्टी जब ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये गंदे होते हैं किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सो so, उस उनको ही पॉल्यूशन बोलते हैं जब ये तीनों चीज़ें पॉल्यूट हो जाती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से थ्रू तो दैट वी वॉल्यूशन सो ये आपको लर्न करके क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं थैंक यू